दोस्तों आज हमारे पास iPhone 12 सीरीज की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लॉन्च डेट, प्री बुकिंग डेट, स्पेसिफिकेशंस और प्राइस भी। दोस्तों ये जो डिटेल्स हैं ये एक चाइनीज टिप्स्टर केंग के द्वारा आई हैं। ये एक बहुत ही रिलायबल टिप्स्टर है, इन्होंने इन डिटेल्स के जरिए हमें iPhone 12 सीरीज के बारे में लगभग सब कुछ ही बता दिया। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सिर्फ iPhone 12 मिनी के बारे में बात करेंगे, iPhone 12 प्रो और iPhone 12 प्रो मैक्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस iPhone 12 मिनी की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं अब की बार iPhone 12 सीरीज के किसी भी मॉडल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं देखने को मिलने वाली। जो भी पीछे रूमर्स आ रहे थे वो सारे गलत साबित हो गए, मतलब वो इस iPhone 12 मिनी में भी नहीं होने वाली। हमें इसमें एक 5.4 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और ये देखने में भी सेम iPhone 11 के जैसी दिखाई देने वाली है, लगभग सेम साइज की नोच के साथ ही। और ये iPhone 12 मिनी है ये 5 कलर्स में अवेलेबल होगा, जो होंगे ब्लैक, व्हाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन। और दोस्तों में अब की बार इस iPhone 12 मिनी में एक नई स्क्रीन ग्लास टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण इसका जो फ्रंट ग्लास होगा वो iPhone 11 से भी मजबूत होने वाला है। और अब इसकी इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों हमें अब की बार iPhone 12 mini में 3 स्टोरेज वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो बेस वेरिएंट होगा वो 64GB होगा और एक 128GB का वेरिएंट होगा और एक 256GB का। और अब इसके कैमरा की बात करें तो हमें इसमें अब की बार सेम iPhone 11 के जैसे ही इसके बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा होगा वो एक 12MP का सेंसर होगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो एक 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। और इसके साथ ही इसमें डिफ्यूजन नाइट मोड वाली टेक्नोलॉजी है वो भी होगी और ये डॉल्बी विजन भी रिकॉर्ड कर सकेगा। दोस्तों ये एप्पल ने अब की बार इसमें एक नया फीचर ऐड किया और ये iPhone 12 सीरीज के जितने भी मॉडल्स होने वाले उन समय अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों ये डॉल्बी विजन है ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क होता है जो कैमरे को ज्यादा डायनेमिक रेंज कैप्चर करने में हेल्प करता है और किसी कैमरा के मेगापिक्सल काउंट के बाद यही दूसरी चीज आती है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जिस कैमरा की जितनी ज्यादा डायनेमिक रेंज होगी वो उतनी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकेगा और इमेज में उतनी ज्यादा डिटेल्स आएंगी। और दोस्तों अब इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसमें अब की बार A14 बायोनिक चिप देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इस A14 बायोनिक चिप के जो बेंचमार्क्स लीक हुए हैं उन्हें देखें तो ये अब तक का सबसे पावरफुल फोन होने वाला और स्नैपड्रैगन को इसकी बराबरी करने में पसीने आ जाएंगे। और अब इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी US में प्राइस लगभग $700 के करीब होने वाली है और जब हम इन्हें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 52,000 रुपए के करीब पहुंचता है। और आपको बता दो कि इंडिया में यही सेम इसकी 52,000 प्राइस नहीं होगी, इसकी प्राइस इससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग टैक्स सिस्टम काम करता है। और आपको मैं मेरी बताऊं तो मेरे मुताबिक इसकी इंडिया में प्राइस लगभग 60,000 रुपीज के करीब होने वाली है। और अब आखिर में इसकी प्री सेल और इसकी रिलीज डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो iPhone 12 mini है इसकी प्री सेल 6 या 7 नवंबर से स्टार्ट होगी और ये लॉन्च 13 या 14 नवंबर को होगा। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें।